अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं वेंचर टेक। तो अभी तो आपको पता लग गया होगा कि आज की वीडियो में हम नोकिया 5.4 का कैमरा क्वालिटी टेस्ट करेंगे। कैमरास की बात की जाए तो फ्रंट पे आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, इसके साथ बैक पे आपको क्वाड कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें आपके पास 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, साथ 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ एंड माइक्रो सेंसर है। दोनों ही कैमरास पे आपको 1080 पिक्सल पे रिकॉर्डिंग करने की अवेलेबिलिटी मिलती है। इसके साथ साथ अभी इस पे हम नाइट्स के साथ साथ इवनिंग में और सनी डेज में कुछ शॉट्स मैंने ली हैं, वो आपको चेकआउट कराऊंगा इस वीडियो में। बाकी ओवरऑल आप क्वालिटी देख सकते हैं, मुझे इसकी 1080 पिक्सल पे 60 फ्रेम पर सेकेंड पे ये वीडियो इस टाइम शूट हो रही है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी ओवरऑल लग रही है, लेकिन ओवरऑल अगर आप सराउंडिंग्स की भी बात करें तो सराउंडिंग्स में भी आपको कलर काफ़ी अच्छे और इम्प्रेसिव नज़र आएंगे। नोकिया के कैमरास की एक बात है कि ये बिल्कुल आपको ओरिजिनल कलर ज़्यादातर दिखाता है, कलर ज़्यादा सेचूरेट नहीं होते, ना ही ज़्यादा ब्यूटिफिकेशन आपके प्रोसेस में ज़्यादा होती है। तो ओरिजिनल कॉन्टेंट आपको नोकिया के जो सेंसर हैं कैमरास के वो दिखाते। तो अब हम ये वीडियो 30 फ्रेम पर सेकंड पर शूट कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास ओवरऑल क्वालिटी कैसी है। अभी मैं आगे चल के आपको इसके कुछ नाइट्स के साथ साथ इवनिंग के और मॉर्निंग के शॉट्स दिखाऊंगा। इसके साथ साथ इस पे नाइट मोड पे अप्लाई किया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ओवरऑल कैमरा की क्वालिटी आप चेकआउट कर सकते हैं। आगे चल के कुछ ऐसी पिक्चर्स भी आपको दिखाऊंगा जो मैंने डिफरेंट मोड्स पे ली हैं। तो फिलहाल जो अभी तक इसका कैमरे का रिजल्ट है, ये वीडियो 30 फ्रेम पर सेकंड पे शूट हो रही है, तो ओवरऑल एक अच्छी क्वालिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। अभी तक इससे पहले कैमरा जितने भी हमने टेस्ट आउट किए हैं, इसकी जो वीडियो है इसकी मुझे थोड़ी सी इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस लग रही है। जैसा कि आपको पता है इसमें हमारे पास 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, उस लिहाज से जो इसकी फ्रंट कैम की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी है। तो फ्रंट सेल्फी कैम से पोर्ट्रेट मोड में शॉट्स आप देख सकते हैं, इसके साथ साथ कुछ सनी वेदर में भी शॉट्स हैं और हमारे पास कुछ इवनिंग में, और आगे चल के आपको नाइट्स में भी इसके फ्रंट कैम का रिज़ल्ट मैं दिखाता हूँ। बाकी ओवरऑल इसका कैमरा रिज़ल्ट आपने चेकआउट किया, 16 मेगापिक्सल के लिहाज से काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है इसका। अब आपको कुछ इवनिंग में शॉट्स दिखाते हैं और कुछ सराउंडिंग्स के भी शॉट्स दिखाते हैं, वो आप ख़ुद भी चेक करके डिसीजन ले सकते हैं कि ओवरऑल इसकी क्वालिटी कैसी है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे नोकिया 5.4 के कैमरे का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा लगा है, इसके साथ साथ इसकी जो वीडियो की क्वालिटी है वो भी बहुत इम्प्रेसिव है। तो अब यहाँ पे मैंने कुछ रैंडम शॉट्स लिए हैं, इसके साथ साथ अब भी आगे चल के आपको नाइट का भी रिज़ल्ट दिखाता हूँ। नाइट के रिज़ल्ट की बात करें तो आपको काफ़ी अच्छी इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। नाइट मोड की बात करें तो नोकिया 5.4 में आपको नाइट मोड की अवेलेबिलिटी का रिज़ल्ट काफ़ी इम्प्रेसिव है, ये काफ़ी जगह पर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आपको शो करता है। तो मैं अगर नोकिया 5.4 की कैमरा की परफॉर्मेंस को मार्क्स देना चाहूँ तो मैं इसको ईजिली 10 में से 8 मार्क्स दे सकता हूँ। तो आप मुझे बताइएगा कि ओवरऑल आपको इसका रिज़ल्ट कैसा लगा है। जैसा कि मैंने आपको इसके बैक के साथ साथ फ्रंट कैमरास की वीडियो और साथ पिक्चर्स भी दिखाई हैं जो कि डिफरेंट टाइम फ्रेम पे हमारे पास शूट हुई हैं। ओवरऑल अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छी क्वालिटी देखने को मिलती है, आपके पास कलर जो हैं वो अपनी ओरिजिनल कंटेंट में ज़्यादा आपको नज़र आएंगे। इसके साथ साथ बाकी जो 48 मेगापिक्सल के सेंसर्स हैं हमारे पास डिफरेंट कैमराज में, उसके लिहाज से हमारे पास एक आपको अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। इसके साथ साथ फ्रंट कैम भी आपके सामने है, फ्रंट कैम का भी जो ओवरऑल क्वालिटी रिज़ल्ट है वो हमारे पास काफ़ी अच्छा है, तो वो भी हमारे पास काफ़ी एक इम्प्रेसिव रिज़ल्ट है।
तो इंशाल्लाह अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा कोई और कमेंट बॉक्स में इस फ़ोन से रिलेटेड या किसी और फ़ोन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मुझसे ज़रूर पूछेगा, मैं आपको वो भी ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। इंस्टाग्राम हैंडल भी मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एडिड है, आप वहाँ पर भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो वहाँ पर आप कोई क्वेरी हो मेरे से आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे इंशाल्लाह अब आप इसकी अगली वीडियो में, जिसमें हम इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स पे वीडियो बनाएंगे। इसके साथ साथ इसका बेंचमार्क का टेस्ट मैंने किया था, उसकी भी परफॉर्मेंस हमारे पास काफ़ी इंप्रेसिव आई है। नियरली हमारे पास नोट 7 नोट 8 आई जैसी परफॉर्मेंस इस फोन पे हमें देखने को मिलती है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।